आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इन्फोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको गुरु नानक और शेख फरीद जी की जन्म साखी सुनाएंगे। शेख ब्रह्मा, जिन्हें आमतौर पर शेख फरीद या भगत फरीद के नाम से जाना जाता है, 90 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके थे। कठोर तपस्या और प्रार्थना के लंबे दौर के बाद भी उन्हें अपने दिल में एक खालीपन महसूस हो रहा था। रहस्यमय शक्तियां, दुनिया की आराधना और इच्छाओं पर संयम उनके पास आ चुका था, लेकिन शांति और एकता का सहज प्रवाह, दुख और सुख दोनों ही समय में स्वर्गीय आनंद का चिरस्थायी स्रोत गायब था। रात और दिन वे इस आशीर्वाद के लिए तरसते रहे। गुरु नानक इस समय राय बुलार से मिलने तलवंडी आए थे। वहां शेख फरीद की दिली तड़प उन तक पहुंची। बाला और मर्दाना के साथ वे पाकपटन आए और शहर से 9 मील दूर एक जंगल में बैठ गए। उन्होंने मर्दाना से रेबाब बजाने को कहा और खुद एक दिव्य गीत गाया। तू ही तू है पटिया कलम और उस पर लिखा शब्द नानक कहते हैं, तू ही तू है और कोई और नहीं। इससे शेख फरीद का एक शिष्य आकर्षित हुआ, जो लंगर मुफ्त रसोई के लिए जलाव लकड़ी लाने के लिए वहां आया था। वो गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ा और उनसे जो उसने गाया था उसे दोहराने के लिए कहा। गुरु नानक ने वैसा ही किया और शिष्य ने दोहे कंठस्थ कर लिए। सिर पर लकड़ियों का बोझ और दिमाग में दोहे की गूंज के साथ शिष्य जल्दी से पाकपटन गया। लकड़ियों का बोझ लंगर में फेंक दिया और सीधे शेख फरीद के पास गया और कहा, मेरे गुरु, आज मैंने एक फकीर को देखा है, एक फकीर को नहीं बल्कि स्वयं भगवान को। क्या आपने उसे केवल देखा है या उससे कोई मूल्यवान संपत्ति लाई है? शेख ने कहा। हाँ, शिष्य ने कहा, मैं एक दिव्य रत्न लाया हूँ। तू ही तू है पटिया कलम और उस पर लिखा शब्द कहते हैं, तू ही तू है और कोई और नहीं। पवित्र शब्दों की विद्युत चिंगारी ने शेख फरीद के दिल को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे उन्हें पालकी में लेकर गुरु नानक के पास जाएं। जैसे ही गुरु नानक उनकी नजर में आए, शेख फरीद पालकी से उतर गए और धीरे धीरे गुरु नानक की ओर चले। बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने सदगुरु के चरण छूने के लिए झुके, लेकिन गुरु ने खड़े होकर अपने हाथों में भर लिया। फिर बड़े प्यार से उन्होंने एक दूसरे के हाथ चूमे और बैठ गए। कुछ मिनटों की मौन आत्माओं की संगति के बाद शेख फरीद ने पूछा, हे सर्वशक्तिमान के ईश्वर द्वारा भेजे गए दूत, मुझे एक अटूट दिव्य मिलन का रास्ता बताओ। हे शेख, गुरु नानक ने कहा, हमारी पत्नी एक सच्ची पत्नी की तरह है, जिसका पति दूर देशों में व्यापार के दौरे पर गया है। वह उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। इसलिए हे शेख, हमें अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर में खो देना चाहिए, शरीर के प्रति सभी आसक्ति को त्याग देना चाहिए और भीतर और बाहर दोनों जगह केवल उसके बारे में सोचना चाहिए। निरंतर विनम्रता, प्रार्थना, ईश्वरीय ध्यान, अपने साथियों की सेवा को ईश्वर की सेवा के रूप में समझना और प्रबुद्ध लोगों की संगति से मानव हृदय में दिव्य प्रकाश की चिंगारी उगती है और मन प्रकाशित हो जाता है। भीतर और बाहर दोनों जगह ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। हमें सेवा और ध्यान करना है और फिर भी महसूस करना है कि सेवा और ध्यान उनका है। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।